हाय गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय। जैसा कि जानते हो आप लोग कि मैं चरक संहिता शुरू करने वाला हूँ। गाइस, सारा लेक्चर आपको मिलेगा, सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछना, ठीक है गाइस? गाइस, चरक संहिता में आपको एक टोटल 120 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल कितने पढ़ने हैं? 120 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर इसको दिन रात भी पढ़ोगे तो ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी करोगे ना, थोड़ा सा आइडिया लगा करोगे ना, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसी को करना, जो इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है उसको नहीं करना है, तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइज? और हाँ, किसी भी जो चरक संहिता है उसको क्लिनिकली कैसे अप्लाइड करना है वो मैं बताऊँगा। जो नया चीज़ मेरे अंदर है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है गाइज? चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड ईयर में आपको टोटल 60 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि 5 स्थान और 60 चैप्टर आपको करने हैं सेकेंड ईयर में। 3 स्थान चिकित्सा कल्प और सिद्धि स्थान आपको करने हैं थर्ड ईयर में, ठीक है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइज? तो चलिए अभी आपको मैं सूत्र स्थान के बारे में बता देता हूँ। सूत्र स्थान को हम श्लोक स्थान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक स्थान भी। ये पीजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, या पीजीटी का, ठीक है गाइज? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो सूत्र स्थान जो है या श्लोक स्थान है उसको कितने चतुष्क में बांटते हैं। तो एक कोड आप लिख लो गाइज, अपने बुक्स में, नोट्स में, कहीं भी लिख लो, BSNL। क्या? BSNL क्रिया। क्या लिखोगे गाइज? BSNL क्रिया, ठीक है? ठीक है बच्चों, बी से होता है क्या? भेषज चतुष्क। क्या होता है गाइज? भेषज चतुष्क। एस से क्या हो गया? स्वास्थ्य चतुष्क। एन से क्या हो गया? निर्देश चतुष्क, ठीक है? उसके बाद एल जो है उसको हम काट के हटा दो, ठीक है? उसके बाद के से लिखते हैं कल्पना चतुष्क। क्या होगा बच्चों? के से आपका कल्पना चतुष्क। आर से आपका होगा रोग चतुष्क, ठीक है? आई से आपका इंद्रिया, आई को आपको गायब करना है, ठीक है? और वाई से होता है आपका योजना चतुष्क, और ए से होता है औसत चतुष्क। तो टोटल कितने चतुष्क हो गए बच्चों? 7 चतुष्क हो गए। कौन कौन? भेषज, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और औसत चतुष्क। टोटल 7 चतुष्क, तो 7 चौक 28 और 2 गो संग्रह स्थान है, टोटल 30 चैप्टर हो गए बच्चों, ओके? अब गाइज आपको यहाँ से शुरू करना है दीर्घजीवितम अध्याय। चैप्टर 1 सूत्र स्थान का जो पहला चैप्टर है वो दीर्घजीवितम अध्याय है, ठीक है? इसमें भगवान अत्रेय ने इसको प्रोपाउंडेड किया था, ठीक है? आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो कौन ऋषि है जो भगवान इंद्र के पास पहुँचे थे, जो सची के पति थे, सची पति थे, उसके पास कौन गए थे? तो भरद्वाज गए थे, ठीक है? किस लिए? तो लंबी उम्र की कामना को लेकर के, ठीक है, उनके पास गए थे, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ये जो जितने जो ऋषि थे जो हिमालय के गोद में, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे, तो हिमालय के गोद में जो सारे ऋषि एकत्रित हुए थे, ये श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उस चीज़ को जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं बताऊँगा। टोटल 52 ऋषि मनी मुनि थे वहाँ पे। इनके नाम याद नहीं रखने कि कौन से ऋषि गए थे, तो रखने लगोगे तो आपको जो रिमेन चीज़ है वो नहीं याद रह पाएगा, तो ये भी आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है? उसका त्रिसूत्र आयुर्वेद, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार आपके BAMS के एग्जाम में आ चुके हैं और PG के एग्जाम के लिए ये फेमस क्वेश्चन माना जाता है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है भैया? तो देखो, त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी श्लोकावली बनाना उसमें, या फिर मैं आपको श्लोकावली प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा खुद का बनाया हुआ है, वो मैं आपको दे दूंगा। हेतु लिंग औसत ज्ञानम, जो हेतु का ज्ञान हो, लिंग का ज्ञान हो और औसत का ज्ञान हो, ये त्रिसूत्र आयुर्वेद हो गया। स्वास्थ्य आतुर प्रायणम, जो स्वास्थ्य की स्वास्थ्य के लिए जो त्रिसूत्र आयुर्वेद का ज्ञान किसने दिया था? त्रिसूत्रम शाश्वता पुण्य बुबुदे या पितामह, जो भगवान ब्रह्मा ने त्रिसूत्र आयुर्वेद दिया था, किस लिए? स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और रोग को दूर करने के लिए जो दिया था वो त्रिसूत्र आयुर्वेद था। क्या था? हेतु, लिंग और औसत का ज्ञान, ठीक है गाइज? ये इंपॉर्टेंट श्लोक है बच्चों, याद रखना है, ठीक है? उसका त्रिस्कंद भी आपसे पूछा जाएगा कि त्रिस्कंद में क्या क्या आता है, वो आपको याद रखना है कि कौन कौन से आता है। त्रिस्कंद हो गया, ठीक है, जिसमें आता है क्या? शरीर, आत्मा और मन, ये तीन चीज़ आती है, ठीक है गाइज? उसके बाद बच्चों देखिए, ये सब चीज़ें जो आपको दी गई हैं इसे आपको नहीं पढ़ना है, इसको स्केप करना है, ठीक है गाइज? अब आप कहोगे सर आप इतना स्केप क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमें उसी चीज़ को पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये आप भी पूछा जाएगा कि आयुर्वेद का डिफिनेशन आपको,
आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो बच्चों कि क्या है हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मान च तच यत्रो आयुर्वेद से उच्चते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो कि हित और अहित की जो रक्षा करता है, ठीक है, हित और अहित की रक्षा करता है, सुख और दुख का जो मानक है उसको उसके जो के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। उसका शरीर आयु का डिफिनेशन पूछा जाएगा आपसे, एक तो आयुर्वेद का डिफिनेशन हो गया, क्या हो गया, तेसो लोक आप लिख सकते हो हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मान चतरो का आयुर्वेद से उच्चते। उसके बाद बच्चों ये डिफिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि आयु का डिफिनेशन क्या है, तो शरीर इंद्रिया, ये देखिए समझिए, शरीर इंद्रिया सत्व और आत्मा के सहयोग से, किसका, शरीर इंद्रिया सत्व और आत्मा के सहयोग से जो बनता है उसको हम आयु बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, ठीक है। धारी जीवितम नित्यगस्य और अनुबंधगस्य, ये साइनोनिम्स है, तो पीजी में पूछा जाएगा कि आयु का साइनोनिम्स क्या है, तो धारी जीवितम नित्यगस्य और अनुबंध, ये आपका हो गया आयु का साइनोनिम्स हो गया, ठीक है, ये आपको चीज़ को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेद वगैरह ये सब के बारे में नहीं याद रखना है। फिर आपको ये श्लोक, आपको 44 नंबर श्लोक जो है, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारण, मतलब जो समान सर्वदा अलवेज क्या होगा, जो सामान्य गुण वाला होगा, सिमिलर गुण वाला जो होगा उसमें वृद्धि होगा, हास हेतु विशेषस्थ, विशेष किसको कहते हैं, जो घटाएगा उसको हम विशेष गुण बोलते हैं, ठीक है। और प्राभृत अस्तु रुभेश तु, जो डाइसिमिलरिटी, जो ऑपोजिट गुण वाला होगा वो घटाएगा और सिमिलर गुण वाला बढ़ाएगा, ठीक है। फिर ये श्लोक आप, ये सब श्लोक आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आए होंगे, सामान्य एकत्व करम विशेष अस्तु पृथकत्व, जो सामान्य होगा वो एक यूनिटी लाएगा, ठीक है, क्या होगा, सिमिलर थिंग क्या लाएगा, यूनिटी लाएगा, ठीक है। विशेष अस्तु पृथकत्व, जो डाइसिमिलर होगा ना, जो अलग होगा ना, वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा, पृथक करेगा, समझ रहे हैं ना आप। उसका तुल्य अर्थता ही सामान्य, जो सामान्य गुण होगा उसकी हम तुलना कर सकते हैं, और विशेष गुण होगा वो ओपोजिट कर सकते हैं, ओपोजिट होगा जो विशेष गुण होगा, क्लियर। अब देखिए आपको मैंने बोला था कि त्रिस्कंद, ये आपसे पूछा जाएगा कि त्रिस्कंद बताइए या त्रिदंडवत बताइए कि क्या होगा, तो ये लाइन आपको याद रखनी है बच्चों, सत्व आत्मा शरीर च, सत्व आत्मा और शरीर, ये क्या है, त्रयोमेता त्रिदंडवत, इतने तक आपको याद रखना है, ये ही लाइन याद रखना है, कई बार पूछे जा गए एग्जाम में कि सत्व आत्मा और शरीर ये क्या है, त्रयमेता त्रिस्कंदवत, ठीक है गाइज। अब हम आगे बात करेंगे, आपका ये श्लोक इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पदार्थ विज्ञान में तो पढ़ के आए हुई हो, द्रव्य गुण में आपका सेकेंड ईयर में ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खा आदि अन्य आत्मा मन कालो दिश ज द्रव संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निर इंद्रियम अचेतनम, समझिए, ख आदि अन्य आत्मा, ख मतलब होता है आकाश, आदि आदि मतलब हो गया आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पांच को हो गया भैया। उसका छठा क्या हो गया, आत्मा, सातवां क्या हो गया मन, आठवां क्या हो गया काल, और नौवां क्या हो गया दिशा, ये नौ जो है ना वो भैया कारण द्रव्य है, इसी से पूरा यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स का कोई भी द्रव्य अगर बनेगा तो भैया ये नौवे के बराबर बनेगा, ये नौवे से ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं इसको और बनाएगा। स इंद्रियम चेतनम, जिसके पास इंद्रिया होगा ना उसको हम चेतन द्रव्य बोलते हैं, और निर इंद्रियम अचेतनम, जिसके पास इंद्रिया नहीं होगा ना उसको अचेतन द्रव्य बोलते हैं। फिर भैया ये नीचे वाला श्लोक याद रखना पड़ेगा आपको, सार्था गुरुवाद्य बुद्धि प्रयत्न प्राध्य, मतलब सार्थ गुण जो होता है वो गुरुवादी गुण, बुद्धि गुण, प्रयत्न प्राध्य, गुना प्रोक्ता, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, समझिए भैया जो 41 गुण है ना, 41 जो गुण है आयुर्वेद के मतानुसार, टोटल कितना गुण है, 41 गुण है, उसमें सार्थ गुण, गुरुवादी गुण, बुद्धि प्रयत्न गुण और पराधि गुण। तो सार्थ गुण आपका स अर्थ, अर्थ मतलब ये पांच गुण हो गया, गुरुवादी गुण आपका भैया 20 हो गया, ठीक है, बुद्धि प्रयत्न गुण हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है, और पराधि गुण आपका हो गया कितना, टोटल 10 गुण हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 41 गुण हो गया। तो आपको गुण का डिफिनेशन पूछेगा तो इतना श्लोक लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। अब प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, अगर हम किसी चीज़ में प्रयत्न करते हैं, कोई भी चीज़ करने का जो प्रयत्न करते हैं उसको हम कर्म बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। अब देखो बच्चों आपको पूछा जाएगा समवाय, क्या पूछा जाएगा, समवाय क्या है, तो समवाय अपृथक भायो, अपृथक भावो, क्या अपृथक, अपृथक मतलब इनसेपरेबल, पृथक मतलब सेपरेबल, उसके उल्टा ससुराल क्या होगा, पृथक होगा मतलब सेपरेट होगा, ठीक है। भूमि आदि गुणों मत, मतलब भूमि आदि मतलब पृथ्वी आदि गुण से को सेपरेट नहीं कर सकते जिसको, उसको हम बोलते हैं समवाय बोलते हैं। सनित्य यत्र ही द्रव्य तत्र नियतो गुण, ऐसा गुण जो द्रव्य में रहेगा ही, उसके बगैर द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है बच्चों।
अब आगे हम बात करते बच्चों, यथा आश्रिता कर्म गुणा, ये तो एक श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, क्योंकि ये श्लोक आपको द्रव्य गुण में भी याद करना पड़ेगा, तो हम यही आपको याद करा देते हैं। यथा आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्य समवायी तू निश्चेष्टम कारणम गुणा। मतलब यथा आश्रिता, आश्रित रहता है किसमें, कौन आश्रित रहता है भैया, तो कर्म और गुण आश्रित रहता है ससुराल, ये दोनों आश्रित रहता है जिसमें, और कैसे रिलेशन के साथ, तो समवायी रिलेशन के साथ, यानी इनसेपरेबल रिलेशन के साथ। भैया ये ना ससुरा क्या होगा, सेपरेट होगा ही नहीं। तद द्रव्य, और इससे हम द्रव्य कहते हैं, तू निश्चेष्टम कारणम गुणा, और उसके पास गुण होता है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम, जो संयोग और विभाग के कार्य के साथ रहता है, ठीक है, और द्रव्य में आश्रित रहता है। कर्तव्य स क्रिया कर्म, कर्म नाने बेचते, मतलब कि कर्म के साथ रह करके और कर्म करता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। कर्म किसको बोलते हैं, जो संयोग और विभाग के कारण होता है। कर्म किसको बोलते हैं हम, संयोग और विभाग के कारण होता है, और किसमें आश्रित रहता है, द्रव्य में रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट श्लोक की, 43 नंबर की जो श्लोक है, देखिए। इत्ययुक्त कारणम कार्य धातु साम्य मिह चेते, धातु साम्य क्रिया चोक्त तंत्रास्य प्रयोजनम। तो देखिए जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन होता है वो क्या होता है, धातु को साम्य करना। क्या होता है प्रयोजन बच्चों, धातु को साम्य करना, ठीक है, जो धातु है उसको इक्विलिब्रियम करना और हेल्थ को मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद आता है काल बुद्धि इंद्रिया अर्था नाम योगो मिथ्या न चाहति च द्रव्य आसरा नाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, ठीक है। अब ये त्रिविध होता है, कौन कौन होता है, काल बुद्धि और इंद्रिया का। अगर आप क्या कहिएगा, कोई भी रोग किसके वजह से हुआ था, काल बुद्धि और इंद्रिया, ये तीनों का या तो अति योग कीजिए, अयोग कीजिए या मिथ्या योग कीजिए। अति योग का मतलब कि ज़्यादा योग कर लीजिए, ठीक है, काल का। जैसे कोई सीजन है उसके ओपोजिट हो गया, तो वो हो गया क्या, ओपोजिट हो गया, तो क्या हो गया, मिथ्या योग हो गया। और बारिश के सीजन में खूब बारिश हो गया तो अति योग हो गया, और बारिश के सीजन में बारिश नहीं हो गया तो ये काल का ये हो गया, ठीक है। बुद्धि का आप कर लीजिए या फिर इंद्रिया का योग कर लीजिए तो उसके वजह से होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं शरीर सत्व संज्ञा च व्याधि नाम आश्रय मतम तथा सुखादाना मेघस्तु सुखा नाम कारणों सम। देखिए शरीर सत्व ये सब जो होता है, अब हम लोग बात करेंगे तीनों दोष की, ठीक है बच्चों। पहले तो वायु पित्तम कपोश्चुक्तम, मतलब बात पित्त और कप, तीन को दोष है, कहाँ पे, शरीर और दोष संग्रह, शरीर में तीन दोष हो गया। मानस पुनर्दुष्टो रजस तमस एवं च, मतलब रजस और तमस दो मानसिक दोष है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो दोष है, बाह्य दोष की बात कर ले तो रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो दत्त विशद खरा, मतलब रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल गुण है, विशद और खर, ये गुण है किसका, बात का। विपरीत गुना, इसके विपरीत गुण जो होगा, द्रव्य मारुतम, मारुत मतलब बात को सूचित करते हैं, संप्रसाम्यति मतलब उसका प्रशमन करता है, जिसके अगर विपरीत गुण वाले, जैसे वाइल वगैरह दे देंगे, अगर ओलेशन वगैरह कर दीजिएगा, या इसके जो भी अपोजिट गुण वाले द्रव्य का सेवन कराइएगा, तो बात दोष की चिकित्सा हो जाएगी। ये श्लोक आपको ट्रीटमेंट पे अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे बात व्याधि वाले पेशेंट है, उसको ओलेशन करो, घी का सेवन कराओ, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्ल सरम कटु विपरीत गुणम पित्तम द्रव्यासु मनस द्रव्यम आसु प्रसाम्यति, मतलब कि स्नेहम स्लाइटली वाइज होना चाहिए, क्या ओलेटिंग होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, तीक्ष्ण मतलब जिसके पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा हो, च द्रव्य और अम्ल हो, सरम हो और कटु गुण हो, सर गुण हो और कटु गुण हो, ये गुण होता है पित्त का। गुरु सीता मृदु स्निग्ध, गुरु सीता मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल, गुरु गुण होगा, शीत होगा, मृदु होगा, स्निग्ध होगा, मधुर होगा, और ये पिच्छिल जो गुण है ये कफ का गुण है, इसके ओपोजिट वाला देंगे तो आपका जो होगा सलेष्मा प्रसम यान विपरीत गुना गुना, मतलब इसके विपरीत गुण अगर दीजिएगा तो इससे क्या होगा, दोष का समान होगा। तो आप देखिए, आपको अगर बात व्याधि है, पित्त व्याधि है, कफ व्याधि है, ये पता चल गया तो पूरा ट्रीटमेंट इस श्लोक पर डिपेंड करता है, ठीक है गाइज। उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है कि जो रस है जो टेस्ट प्रेसिप करते हैं, रसना अर्थो रस तस्य द्रव्य में आप छीति अस्तता निवृतो च विशेष प्रत्यम खाद्यश्च, मतलब रस जो है वो रस तस्य द्रव्य, जो रसना जो होता है ना, रस जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है किस रसना का, जो हमारा टंग है, ये जो हमारा जीभ है, जीवा है, उसमें जो भी टच में आता है उसके वजह से जो टेस्ट प्रेसिप होता है उसको हम रस बोलते हैं। अब देखिए निवृतो च विशेषणम ख च प्रत्यत्मा खा आद्यस्त्रयम,
ख आदेश तरह में मतलब ख मतलब क्या होता है, आकाश वायु अग्नि और पृथ्वी, ठीक है। तो जो हमारा रस जो प्रसिद्ध होता है उसमें क्या होता है, क्षिति अस्त्र था, क्षिति अस्त्र था, क्षिति अस्त्र था मतलब क्या होता है, जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी का महाभूत प्रिडोमिनेंट होता है रस जो हम प्रसिप्ट करते हैं उसमें, और उसको अदर सपोर्ट जो करता है कौन, आकाश वायु और अग्नि करता है, ठीक है। अब हम रस की बात करें तो स्वादुर अम्लो अथा लवनम कटुकस्तिक्त एवं च कसायस चेती षटकोयम रसना संग्रह स्मृतम, मतलब छः रस है, मधुर अम्ल लवन कटु तिक्त कसाय, ये छः रस है, ठीक है। अब देखिए ये श्लोक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप टिक करके रखना, कई बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। स्वादु अम्ल लवना वायु कसाय स्वादु तिक्त का, मतलब कि स्वादु अम्ल लवन ये क्या होता है, मधुर अम्ल लवन ये क्या करता है, वायु का समन करता है, किसका समन करता है, वायु का समन यानी बात का समन करता है, मधुर अम्ल लवन कसाय स्वादु तिक्त का, कसाय मधुर और तिक्त जो रस है वो आपको पित्त का जयंती पित्तम मतलब पित्त का समन करता है, सलिस्मानम सलिस्मानम मतलब कफ का समन कौन करता है, कसाय कटु और तिक्त रस इसका समन करता है, ठीक है बच्चों। ये श्लोक आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद द्रव्य तीन तरह के होते हैं, कितने तरह के द्रव्य होते हैं, तीन तरह के होते हैं, किंचित दोष प्रसमनम, किंचित दोष प्रसमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, मतलब दोष का समन करता है, दोष का प्रदूषण करता है, और स्वस्थ भृतो मतलब हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, ठीक है बच्चों। यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स है, शहद के गुण हैं, आपको मूलिनी फलिनी द्रव्य है, तो इन सब चीज़ों का जो है आपको मैं कोड वाइज इसके लेक्चर को कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।